हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप। साथियों, लास्ट वीडियो स्माइल प्रोग्राम पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट सेकेंड और बाकी के क्वेश्चंस हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस समझाने की कोशिश की थी जो पार्ट बी से थे। अब पार्ट सी और पार्ट डी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन बोल के आपको बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि से 144, 180 व 192 का लेसेपे व मेसेपे हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो दोस्तों, दोनों ही चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। एचसीएफ में हमें तीनों जो संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है और एलसीएम में हमें तीनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड करना है। और लास्ट में गुणनखंड करने के बाद में एचसीएफ में तीन तीन संख्याओं के जोड़े बना करके हमें संख्याओं को लेना है, और लेसेपे में सभी संख्याओं का हमें एक साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक साथ हमें गुणनखंड करने के बाद में गुणा करके आंसर लिखना है। तो बहुत सिंपल विधि है। लास्ट जो क्लासेस थी उनमें भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से काफ़ी लेसेपे मेसेपे सीखे हैं। तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर। मैं बोल के आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के शून्य हमें ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने के बाद में दूसरी चीज़ हमें शून्य को व गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच इस क्वेश्चन में करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि, मध्य पद को विभक्त करते हुए यहाँ हम गुणनखंड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ हमने सिंपली गुणनखंड किया, और गुणनखंड करने के बाद में हमें जो शून्य हैं, शून्य को के लिए दोनों गुणनखंडों को जीरो के बराबर हमें करना होता है। तो मैंने x प्लस 6 को जीरो के बराबर किया, तो x बराबर माइनस 6 आपके सामने है, और x माइनस 1 गुणनखंड को भी जीरो के बराबर किया, तो x बराबर 1 आपके सामने है। साथियों, ये तो शून्य का, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके हमें दो शून्य के प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम निकाल के रख लेते हैं। तो यही आप ने स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, और इनको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। दोस्तों, दूसरा काम हमें इसमें करना है, क्योंकि हमें इसमें शून्यकों का व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो एक काम हमने शून्यकों का योग निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया शून्यांक निकालते हुए। अब हमें वापस द्विघात बहुपद पर आना है, और इस द्विघात बहुपद की तुलना, जैसा कि आप दाएं तरफ देख सकते हो, तुलना जो की है हमने द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हमने ए का मान निकाला 1, बी का मान 5 और सी का मान -6 निकाला। निकालने के बाद दोस्तों, जो इनके गुणांकों में जो संबंध होता है उसमें शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है। तो हमने b का मान रखते हुए और a का मान रखते हुए शून्यकों का योग निकाला और वो आया -5। और इसी तरह जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। और जब हमने c का मान -6 रखा और a का मान 1 रखा तो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास आया -6, और इनको मैंने समीकरण 2 दे दिया। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है समान है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शून्यकों व गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। इस तरह के क्वेश्चन आप बुक में से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। साथियों, समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सामने एक समांतर श्रेणी 19, 17, 15 है और 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 100 हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कितने पद हमें यहाँ पर लेने हैं, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि उन
कितने पद होंगे कि उनको जोड़ने पर उनका योग 100 हो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं सिंपली कि मान लीजिए n पद हम लें और उन n पदों का योग 100 हो जाए, तो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वो यहाँ दिया हुआ है 100, और जो योग होता है वो एस एन बराबर सूत्र होता है n बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों सूत्र जो है एस एन एन पदों के योग का सूत्र, उस सूत्र को हमें जो योग 100 दिया हुआ है उसके बराबर यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ बराबर किया, और बराबर करने के बाद में जो ए है समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो ए हम निकाल सकते हैं 19, और समांतर श्रेणी का सारो अंतर हमें यह निकालना है डी, दूसरे पद में से पहला पद हमें घटाने पर सारो अंतर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने दूसरे पद में से 17 में से पहला पद 19 घटा दिया, तो जो सारो अंतर आया वो माइनस 2 हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद में ये दोनों मान हमने दाएं तरफ जो सूत्र है उसमें रख दिए, 2a ए की जगह a का मान 19 रख दिया और d का मान माइनस 2 रख दिया, और रखने के बाद में हम इसको सॉल्व करते चले गए, और लास्ट में मैंने माइनस 2 यहाँ कॉमन लिया, कॉमन करने के बाद में इस समीकरण को थोड़ा सरल सा बना लिया, और जब समीकरण आप देखोगे लास्ट में माइनस 2 कॉमन लेने के बाद में आया है एन स्क्वायर माइनस 20n प्लस 100 बराबर 0। आपने लास्ट क्वेश्चन द्विघात बहुपद का किया था, तो यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण बन चुकी है, तो अब इस द्विघात समीकरण को भी हम n का मान निकालना है, ये n में द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर हमें n के मान मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें इस द्विघात समीकरण को मध्य पद को विभक्त करते हुए हम इसके गुणनखंड करते हैं, जैसा कि हमने गुणनखंड किए मध्य पद माइनस 20 है, और अगर मैं पहले और तीसरे पद को गुणा करता हूँ तो 100 आता है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको आपस में गुणा करने पर 100 आता हो, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 20 हमें प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं मैंने ली यहाँ पर माइनस 10 और माइनस 10, तो इस तरह से मध्य पद को हमने विभक्त कर दिया, और विभक्त करने के बाद में दो गुणनखंड मुझे मिले एन माइनस 10 और एन माइनस 10 बराबर 0, और यहाँ मुझे n बराबर 10 मिला। तो और n हमने शुरुआत में माना था पदों की संख्या, तो यहाँ पर n बराबर आ चुका है 10, तो हमें 10 पद लेने पर उन 10 पदों का योग 100 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है n बराबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ये पार्ट डी में है, और ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है पार्ट डी में। यहाँ पर जो पार्ट डी में जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे वो 6 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हमें आलेखीय विधि ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ सवाल दिया हुआ 3x माइनस 5y बराबर माइनस 1 और 2x माइनस y बराबर माइनस 3, यहाँ समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है, और इन समीकरण युग्म को हल करते हुए हमें एक आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना है, और साथ में हल निकालने के बाद में हमें ये जो संबंध दिया हुआ है x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर a, तो यहाँ पर हमें x का और y का मान निकालने के बाद में, जैसा कि आप सभी को मालूम है जैसे हम समीकरण को हल कर लेंगे तो वहाँ से हमें x और y का मान प्राप्त होगा, तो वो x और y का मान हमें यहाँ पर रख करके जो a है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमें दोनों समीकरणों को हल करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें जो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए जो प्रत्येक जो एक रैखिक समीकरण होती है एक सरल रेखा को निरूपित करती है, तो इन दोनों समीकरणों को हम अलग अलग हल करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ मैंने दोनों समीकरणों को हल किया हुआ है, और हल करने के बाद में इन दोनों समीकरणों से कम दो दो मान मैंने निकाले हैं, आपको भी हल करके देखना है, और इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो बड़े आसानी से हमें हल करते हुए कम से कम दो दो मान दोनों समीकरणों के निकालने हैं, और निकालने के बाद में हमें ग्राफ बनाना है। तो दोस्तों और सभी बच्चों, यही आज आपका होमवर्क है कि आपको ग्राफ जो है घर पर बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद में दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु हमारा हल होगा। तो आप ग्राफ बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ग्राफ बनाया या नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सिंगल वीडियो बना करके ग्राफ के बारे में सारी डिटेल बता दूंगा। तो लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।